देवास में दीनदयाल रसोई योजना के तृतीय चरण का शुभारंभ और नगरीय क्षेत्रों के आवासहीनों को 38,000 पट्टा वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से वर्चुअल कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। इसी कड़ी में स्थानीय मल्हार स्मृति ऑडिटोरियम में नगर निगम सीमा क्षेत्र के 600 आवासहीन हितग्राहियों को स्थायी पट्टे का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत विधायक और महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन, आयुक्त रजनीश कसेरा, निगम सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग समिति अध्यक्ष रामदयाल यादव, पार्षद प्रतिनिधि संजय दायमा, उपायुक्त वित्त पुनित शुक्ला, तहसीलदार सपना शर्मा के द्वारा 3 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक पट्टे का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक और महापौर प्रतिनिधि अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आवासहीन हितग्राहियों को स्थायी पट्टे वितरण कर सौगात दी है। वितरित पट्टों से हितग्राहियों का अपने स्वयं का प्लॉट का सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन स्थायी पट्टे धारकों को अपने प्लॉट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास का निर्माण करने हेतु लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आवासहीन लोगों को अपना स्वयं का घर खो का सपना साकार होगा और गरीब और जरूरतमंद लोगों को दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत 10 रुपए की जगह अब 5 रुपए में भरपेट भोजन प्राप्त होगा। अभी हमने प्रतीकात्मक 3 पट्टे हितग्राहियों को दिए हैं। शेष पट्टे वार्डों में विधायक गायत्री राजे पवार के नेतृत्व में वार्ड पार्षदों के साथ हितग्राहियों को स्वयं को वार्डों में ही वितरित करेंगे। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जो पात्र लोग थे उनके सर्वे के पश्चात पट्टा वितरण का कार्यक्रम उन्होंने सिंगल क्लिक से शुरू किया है, जिसका शुभारंभ आज हमने देवास में भी आदरणीय हमारे देवास के लोकप्रिय विधायक राजमाता साहब के नेतृत्व में शुभारंभ किया है। देवास में भी करीब 600 लोग चिन्हित हुए हैं जिनको हमें पट्टे देना है, लेकिन हमारी जानकारी में आया कि कुछ लोग अभी भी उस श्रेणी में आते हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके नाम चयन नहीं हो पाए हैं। तो हमने अधिकारियों को बोला है कि जो पात्र हितग्राही हैं और जो पट्टे की पात्रता में आते हैं उनका एक सर्वे फिर से शुरू करें। कुछ छूटे हुए जो लोग हैं उनको भी हम आने वाले समय में सेकंड स्लैब में पट्टे का वितरण करेंगे। आज पट्टा वितरण का शुभारंभ था, 3 लोगों को हमने प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पर पट्टे दिए हैं और हम विधायक जी के नेतृत्व में जिस वार्ड के पट्टे बने हैं उस वार्ड के अंदर जाकर वहाँ के नागरिक बंधुओं को माननीय विधायक जी के हाथों पट्टा वितरण का कार्यक्रम करवाएंगे। इसके साथ साथ ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल रसोई योजना जो हमारी पहले से चल रही है। आज यहाँ मल्लारस्पति मंदिर में नगर निगम के द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने आज भोपाल से सिंगल क्लिप के माध्यम से पूरे प्रदेश में दीनदयाल रसोई का शुभारंभ करा और यहाँ पे पट्टा वितरण का कार्यक्रम जो था उसमें देवास के 600 करीब लाभार्थी हैं जिनको पट्टों का लाभ मिलेगा। अब उन लाभार्थियों का सपना साकार हो पाएगा कि वो अपना खुद का प्लॉट, पट्टा मीन्स जो स्थायी पट्टे हैं ये, उनके प्लॉट मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी घोषणा करी कि उन पट्टों पर उनको ऋण सुविधा भी मिल पाएगी। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे हमने प्रतीकात्मक रूप से कोई 5 लोगों को पट्टे वितरित किए हैं, बाकी अन्य भी जो इन लोगों के आवेदन आना है उनके लिए भी एक अलग से स्टॉल लगा दी है जिस पर वो आवेदन प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी खुशी की बात आज ये है देवासवासियों के लिए भी कि मुख्यमंत्री जी ने जो कायाकल्प में 1200 करोड़ के पूरे प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं उनकी सड़कों के कायाकल्प के लिए स्वीकृत किए हैं। हमारे देवास से भी 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव गया था, वो भी स्वीकृत हो गया है, तो 10 करोड़ रुपए। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।